कुमार पांडे जी। मैं उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बड़े कमाल के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे आती, दो शेर। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो मोहब्बत है ये बहुत कमाल की है। लेकिन आप जब पढ़ रहे थे तो मैं अंजुम जी का चेहरा देख रहा था, अंजुम जी गुस्से में थी, मैं जानता था वो बहुत कुछ कहना चाहती, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही आए और बताएं कुछ ऐसा पांडे जी को कि सारी दुनिया सुने। अंजुम रायपड़ जी, चार पंक्तियां सुनाती हूँ जी। स्वागत है अंजुम। यहाँ नेहा है और मैं हूँ जी। कुछ श्रोताओं में कुछ बेटियां लड़कियां नजर आती हैं, तो मैं सुनाती हूँ शेर। नेहा जी इस तरफ करना, शेरेश की तरफ ऐसे। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो। क्या बात है। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है। लड़कियां भी क्या बात है, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पता नहीं औरत को इतना आसान क्यों समझा जाता है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अंजुम का ये शेर, हमारे मुल्क में जहेज को लेकर बहुत सारी लड़कियां अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती हैं। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। मैं बहुत सीरियस हो गई। लड़कियां ही भोली नहीं होती जी, लड़कों के भोलेपन का भी जवाब नहीं है, तो आप बताएं। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी, उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी, कुछ प्रेमिका ने खा लिया कुछ बीबी खा गई, कुछ प्रेमिका ने खा लिया कुछ बीबी खा गई, भोजन का एक थाल है लड़कों की। वैसे विष्णु जी को देखा ऐसा लग रहा कहीं रोना दें। वैसे तो प्रेमिका को पत्नी भी बनाया जा सकता है। अर्ज करती हूँ, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, क्या बात है, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, क्या बात है, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए, क्या बात है। और अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा जी, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दोस्ती से तजुर्बा ये हो गया, दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। और बतौर तोहफा ये शेर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, प्यार का इकरार दिल में हो, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछे तो मुकरना चाहिए। अब वो वैलेंटाइन डे के लिए जो खास तौर से गजल मैंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि शेर आपको, आप तक मेरे शेर पहुँच जाए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत कर, दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना, कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है, जरूरी होता है, कारोबार में दिल के
तजुर्बा जरूरी है, जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना, तुम उधार मत करना। अब शेर सुनो जी। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं। बढ़िया, क्या बात है। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं, मौसमी परिंदों का एतबार मत करना, क्या बात है। एतबार मत करना। अभी दिल्ली में बहुत कुछ हुआ जी, अंजुम का ये शेर। इरशाद। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें, तितलियों के दामन को दागदार मत करना, क्या बात है। दागदार मत करना। और एक बहुत अच्छा शेर। स्वागत है, स्वागत। पता नहीं मेरे जहन ने मुझे दस्तक दी, मेरे दिल ने। अगर काश हर परिवार में ऐसा हो जाए तो वहां प्रेमिका की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। अच्छा। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। क्या बात है। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी, प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। क्या बात है। जीत हार मत करना। अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है, और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना। जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई। वाह 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 वाह। मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई। और जो शेर मुझे सुनाना है जी। दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी। क्या बात है। वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। और एक शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ूंगी और नेहा को नस करूंगी। घर के लोगों को हर बात का, तेरी मेरी मुलाकात का, पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई। मुझको आज भी रात